गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका फैन फैंसी पोकेस्टा, और सॉरी मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं लाया, बट आज वीडियो लेके आ रहा हूँ। और वजह यह थी कि मेरी एग्जाम्स चल रही है, इसकी वजह से मैं नहीं लेके आ पा रहा था। और दूसरी बात, आइस कॉम्बो भाई, आइस लेन कॉम्बो आई थिंक इसका नेम, तो आइस लेन कॉम्बो तो अभी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मैंने गलती से मेरी एबिलिटी ने ले लिया। इसकी एबिलिटी काफ़ी बार परेशान करती है वर्ल्डपिक्स की, बट काफ़ी बार काम भी आ जाती है। और हाँ, मेमोस लाइन तो अभी जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में एक टाइप का चल रहा है, ओके आई थिंक मिल जाएगा मेरे को आराम से भाई। इसका स्टन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसका जो सीसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और किस तरह हम खेलते हैं वो पूरा वीडियो ज़रूर देख रहा। और मैं इसके साथ डिजडेम ग्लेम इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि भाई आपको पता ही है ये रैपिड फायर का कितना सही वर्क करता है बेसिक अटैक के लिए, तो इसका यही गेम प्ले है भाई। थोड़ा पीछे आ जा वरना मार डालिए वो तेरे को सच्ची। ओके, यहाँ पे मेरा मेन काम तो अभी स्टार्टिंग में यही है कि मैं इसका स्टैक करवा दूँ, मतलब सागर का मेमो का स्टैक करवाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन बन जाता है, और दोनों का स्टन मिलने के बाद बहुत तगड़ा हो जाता है भाई। वापस इधर आ जा। एक तो इसकी एबिलिटी भाई दिखाई देती है, यहाँ पे घास में छुपा हूँ मैं, इसकी एबिलिटी काफ़ी बार परेशानी करती है। ओके, ये मेरे को मिल गया। अब मरे के भाई काफ़ी कम डैमेज, मतलब HP बची है उनकी भाई। इनके साथ सपोर्ट आ रहा है फिर भी हम ऐसा मार रहे हैं इनको, कूट रहे बराबर का। ऐसा ही गेम प्ले चल रहा है इतनी देर से हमारा। मैंने इससे पता नहीं कितना पुश कर लिया, मैं वेटरन पे था क्योंकि मैं खेल नहीं रहा, इसलिए वेटरन से मैं अल्ट्रा 4 या 3 पे आ गया हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ये वाला कॉम्बो ज़रूर ट्राई करो यार, और कैसा चल रहा है तुम्हारा ये भी बताओ। बट हाँ, ये कॉम्बो के साथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब जैसा हमारा चल रहा है कि वो ले रहा है तो फिर मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ स्टैक करने में, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, इस तरह से कॉम्बो के साथ अच्छा भी होना चाहिए भाई। अभी भग लो, थोड़ा तो परेशान कर ही सकते क्योंकि फ्रोकी अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ, तो भाई क्या ही करेंगे ये लोग। और ऐसे भी फ्रोकी जैसा पोकेमोन अगर नीचे आ जाए इस आइस लेन के सामने तो ये तो जाएगा ही जाएंगे भाई। कितना गंदा मिस हुआ उस बेचारे का, बट कोई ना। बट देख रहा मेरा बेसिक अटैक स्पीड कितनी अच्छी है, मतलब अरोरा वेल चला ही नहीं उससे, उसके बिना भी इतनी अच्छी है, तो अरोरा वेल चलाने के बाद तो काफ़ी अच्छी हो ही जाएगी। और हाँ, इसका बिल्ड बताना तो भूल ही गया, इसका बिल्ड था चॉइस पैक्स मसल बैंड और रैपिड फायर स्काफ, और जल्दी से ऊपर ही चलते भाई। अरे फ्रोकी ब्रो कहाँ जा रहे भाई, वाह मतलब सपोर्टर आ गया तो लटने की जान आ गई, ले भाई नहीं तो ले, आज तो तुम मर भाई। सपोर्टर की भी इतनी कम HP कर ली, मतलब नाइनटेल्स काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है और उसके साथ मेमो भी काफ़ी ब्रोकन है। एक बार ये कॉम्बो ज़रूर ट्राई करो। और हमने तो ये ट्रियो भी ट्राई किया है काफ़ी बार, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जो रिकॉर्ड नहीं हुई, वो अलग बात है, बट वो जल्दी आएगी वो वाली वीडियो, फिर से रिकॉर्ड करेंगे। ये तीनों का ग्लेशियन, मेमोस्वाइन एंड नाइनटेल्स, इन तीनों का कॉम्बो मतलब ट्रियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कॉम्बो तो नहीं कह सकते उसे, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टन भी होता है, तो ये तीनों का कॉम्बो भी ज़रूर ट्राई करना, मतलब ट्रियो या कॉम्बो नहीं है ये। ओके चलो पुश करने चलते हैं। ऐसे भी मैं 8 लेवल का तो हो ही चुका हूँ, 9 लेवल का भी जल्दी हो ही जाऊँगा भाई, थोड़ा पीछे रह के पुश करना पड़ेगा। उनके पास डेसी दुआ है जो काफ़ी डैमेज देता है। ओके मेरा अरोरा वेल ख़त्म हो गया। अरोरा वेल की यही प्रॉब्लम है कि उसका जो ये कूल डाउन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये तो गया, ओके गुड, हमारा तो काम हो गया भाई, बहुत गंदा पुश कर लिया हमने। और ये चीज़ और तो अलग ही बग वाला, मतलब बग में फंस गया था। ओके भाई और थोड़ी फाइट कर ही लेते भाई, मैमो देख रहे हो आगे जाके घुस रहा है और मैं पीछे से इतना डैमेज दे पा रहा हूँ, मतलब दोनों का बहुत तगड़ा चल रहा है, मैं मरूँगा अब तो भाई। बहुत गंदा मारा बट हम फिर मर गए, बहुत गंदा, और मेरा हाइएस्ट किल है अभी, अच्छी बात है। ओके नीचे पुश बनाने की ट्राई कर रहे हैं बट हम पुश करने देंगे नहीं, और ये डेसिडो है तो अलग ही कर रहा है। डेसीडोए को तो बहुत गंदा पकड़ा हमारे इस लोब्रो ने और बहुत गंदा मारा। ओके मैमो के 2 किल हो गए, मेरे भी 2 किल हो गए आई थिंक, या फिर 1 हुआ है। ओके मेरे भी 2 किल हो गए, मतलब हम दोनों का कॉम्बो बड़ा सही वर्क कर रहा है। ओके और जल्दी से ही रेजी रॉक लेते हैं। और आप में से किसी को पता हो तो ये एंड्रॉयड 12 में अपग्रेड करने के बाद काफ़ी ग्लिच हो रहे हैं मेरे गेम के साथ, मैं पैक डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी सारे इशूज़। अगर आप में से किसी को इसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं जल्दी से सॉल्व कर दूँ इसे। और अभी रेजिला की भी आने ही वाला है तो टॉप पे चलते हैं। और सॉरी मेरी आवाज़ में काफ़ी चेंज लग रहा होगा क्योंकि भाई मेरे को गंदी वाली सर्दी हुई है। ओके और दूसरी बात भाई सबसे बोरिंग, और हमारी तो 5 के 5 यहाँ खड़े भाई, सामने वाले को अच्छा डेसीडो आ भी गया। छोड़ो डेसीडो को तो हमारे मैमो और स्लो ब्रो संभाल लेंगे, हम मेल्ट करते हैं यहाँ पे भाई। ये हाँ
ये क्या कर रही है भाई, मुझे कोई ये बताएगा कोई? बहुत गंदी मरी है। ओके भाई पीछे हटो थोड़ा। अरे यार ग्रे निंजा ने तो मेरे पे ही अल्टी चला दी, बेशरम ग्रे निंजा। मैं तो अल्टी चला रहा हूँ भाई, मेरे को मरना नहीं था। ओके भाई क्या ही किल मिले मेरे को सही में। नहीं मैं मर सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, फिर भी मैं आगे पता नहीं क्यों गया। मैं मर सकता था और बच भी सकता था, बट मैं आगे चला गया पता नहीं मरने के लिए। चलो इट्स ओके, कोई ना, अल्टी थोड़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी। नीचे बीज आ गई थी तो मैंने सोचा बीज ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अल्टी यूज़ कर ली, तो भाई बीज जल्दी से ख़त्म लेनी ही पड़ेगी ताकि मेरी अल्टी जल्दी से चार्ज भी हो जाए। और नीचे रेजी रॉक, रेजी आइस या रेजी स्टील भी आने वाला है। मेरे को रेजी स्टील और रेजी आइस पसंद है, रेजी रॉक बहुत कम पसंद है। बट रेजी आइस एंड के मतलब रेक्वाजा के टाइम बहुत सही काम आता है, जो एचपी रिकवरी करता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है रेजी आइस की। और भाई मेरे को इतना स्टन, भाई अब मेरा स्टन देखना, मेरे तो शुरू होते हैं पहले ही ख़त्म हो गया भाई। अब मैमो भी जाएगा, मैं गया तो मैमो भी जाएगा। ओके वो पुश बनाने का बहुत अच्छा ट्राई कर रहा है, आई थिंक वो पुश कर लेगा यार, बहुत अच्छा पुश बना रहे हैं। अबे मैं वापस अल्टी आई गई तो चला ही देता हूँ, डेसीडुआ को मेन मार देता हूँ, बाकी सब तो भाई मर ही जाएगी इजीली। अरे यार मेरे साथ मैमो नहीं था ना तो इतना कुछ नहीं हुआ, बट हाँ अब मैमो आ गया तो अब इन सबको मार देगा मैमो, क्योंकि ऑफकोर्स भाई मैमो बहुत स्ट्रांग है। ओ थोड़ा पीछे जाना ही पड़ेगा मैमो को भी। ओ मेरी अरोला वेल प्लस आ चुकी है फाइनली। अब इसका कूल डाउन काफ़ी कम हो गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई, वरना पहले बहुत लंबा कूल डाउन है, मतलब इतना भी कम नहीं हुआ बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब अरोला वेल मैं स्पैम कर सकता हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज दे सकता हूँ। अरोला वेल अपग्रेड होने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है, पहले 12 सेकंड का था अब 8 सेकंड का है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। और सिर्फ और ये भी 5 सेकंड वर्क करता है अरोला वेल, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और मैंने और इसने अकेले ने इतनी जल्दी मेल्ट कर दिया, इसकी जो स्पीड बेसिक अटैक स्पीड बढ़ जाती है और इसके जो क्रिट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और हमें एम्बलम्स तो बताना ही भूल गया, स्पेशल अटैक एम्बलम्स यूज़ किए मैंने इसके ऊपर। ओके ये तो आई गया, तो अभी हम लेने का कोई सोच नहीं रहे, अभी हम सिर्फ ये डिफेंड करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे अलग फाइट चल रही है और यहाँ पे मैं अलग फार्म ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्टी नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि अभी अल्टी चार्ज ही कर लूँ। ओके यहाँ पे आई थिंक मर गए लोग। ओह यहाँ पे एक लिफेबल है यार, मेरी हेल्प कर दो कोई। नहीं भाई नो वन इज़ इंटरेस्टेड। ओके भाई भाई मुझे लगा कि हमारी तो गई यार, बट हमारे इसने ले लिया बहुत ही सही। ओके मेरे को लगा ये ब्लास्टर्स मार खाने रुक रहा है, बट भाई इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, वरना भाई इनको और गंदा मारते और गंदा हराते। अब देखते हैं कि कितना स्कोर हुआ है हमारा। ऑफकोर्स भाई बहुत गंदा पीटा है हमने इस गेम में इनको, 300 तो भाई इनको सिर्फ 18 का गोल किया इन लोगों ने, इन लोगों को तो बहुत गंदा पीटा है हम लोगों ने। और मेरा डैमेज भी 72 के और मैमो का 61, भाई बहुत अच्छा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।